मुझे ये मौका दिया है, और सेकंडली मैं ये पास्टर कामरान आपको और आपकी मिसेस को और पास्टर हारून को और उनकी मिसेस को, और स्पेशली मैं थैंक्स अपने दिल की गहराई से सिस्टर क्रिस्टीना को देना चाहती हूँ, क्योंकि ये आज ये रिजल्ट जो उनसे इधर खड़ा है जस्ट उनकी वजह से, ये आज ये जो सा पिलर खड़ा हुआ है ये उनकी वजह से। मैं आपको आज जो सा खुदा ने मुझे कलाम दिया है वो है द चोजन वन। मैं आपके साथ ये कलाम इसलिए आज शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि जब मैं बैठी थी और मैं खुदा से पूछ रही थी कि खुदा मुझे बता कि मैं क्या बताऊं लोगों को, तो खुदा ने कहा कि सबसे पहले जब तूने कलाम जब अपनी तूने खिदमत शुरू करनी है ना, तूने लोगों को बताना कि तेरे ऊपर मैंने क्या तेरे ऊपर काम किए हैं, मैंने क्या तुझे कहां कहां से मैंने तुझे बचाया। हालेलुया। तो द चोजन वन का मतलब ये है कि खुदा जब आपको, मैं सबसे पहले चर्च आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप सब द चोजन वन हो। ये नहीं कि मैं आज कलाम सुना रही हूँ या कोई और कलाम सुना रहा है, वो ही द चोजन वन है। जो आप सब इधर इकट्ठा हुए हैं, जो आप सब आज इधर आके बैठे हैं, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने खुदा को टाइम दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, जैसे आजकल के हालात चल रहे हैं, जैसे आजकल का जमाना आया है कि बहुत से लोग अभी कोई फिल्म्स देख रहा है, कोई कोई अपना फोन पर टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन आपने एक अच्छा पार्ट इस दुनिया का चूज किया है कि वो है खुदा। हालेलुया। तो द चोजन वन का सबसे पहले मैं आपको मकसद बताना चाहती हूँ। द चोजन वन इज मतलब यह है कि वो एक शख्स जो खुदा चुनता है एक स्पेशल पर्पस के लिए, एक स्पेशल मतलब के लिए। तो हर पर्सन जो आज इधर बैठा है उसका अपना एक पर्पस है, और खुदा ने आपको अपने पर्पस के लिए चुन लिया है, चूज कर लिया है। तो आप अपने दिल में ये बात बैठा ले कि खुदा ने आपको चुन लिया है। हालेलुया। लेकिन जब खुदा आपको चुनता है ना, सबसे पहले मैं आपसे आपके साथ एक वर्स शेयर करूंगी। यूहन्ना चैप्टर 15 और उसकी 16 आयत में खुदा कहता है कि आपने नहीं मुझे चुना बल्कि मैंने आपको चुना है। तो ये मतलब है कि खुदा ने आपको ऑलरेडी चुना हुआ है। हालेलुया। तो जब खुदा आपको चुनता है तो खुदा आपको एक कॉल करता है, आपको इनविटेशन भेजता है, सबसे पहले आपको इनवाइट करता है, आपको कहता है कि मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। तो जब आपको खुदा कॉल कर रहा होता है, आपको खुदा इनवाइट कर रहा होता है, खुदा जैसे आपको, मैं एक आपको बहुत एग्जांपल एक बताती हूँ कि जब खुदा हमें जब हम इस दुनिया में रह के जब हमें कॉल आती है, ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं या उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। हालेलुया। तो खुदा हमें जब कॉल कर रहा होता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने उसको एक्सेप्ट करना है या हमने उसको रिजेक्ट करना है, हमने उस कॉल का आंसर देना है या उस कॉल को हमने ना सुना कर देना है, जैसे आजकल होता है। तो जब हम ना सुना करते हैं, इसमें मैंने जब मैं इस कलाम को तैयार कर रही थी तो मैंने इसमें जब इनविटेशन की बात आई, तो जब हम अगर हम देखें भी, जब आपको कार्ड आता है, जब आपको कोई इनवाइट करता है शादी पर, आपको कोई कार्ड आता है, वह आप पे आपने जवाब देना होता है। तो खुदा हमसे जवाब मांगता है। हालेलुया। यस, नो, मे बी, ठीक है। और ये हम खुदा हमारा खुदा ऐसा खुदा नहीं है कि आपका इंतजार करता रहे। आप ये बात लिख लो, अगर खुदा ने आपको अलर्ट किया है, खुदा आपको बता रहा है, खुदा आपको कह रहा है कि आपको मैंने चुना है, ये नहीं कि 2 साल गुजर जाएंगे और स्टिल आपका खुदा वेट कर रहा होगा। आपको अपने आप को तैयार करना है। और मैं इस बात को कलाम के हवाले से हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 22 चैप्टर और उसकी 14 आयत में खुदा क्या फरमाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम मत्ती की अंजील उसका 22 बाप और उसकी 14 आयत को देखेंगे। लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े। आमीन। हालेलुया। तो बुलाए हुए बहुत ज्यादा हैं,
खुदा हमें हमेशा इनवाइट करता रहता है। अगर हम इस चैप्टर को डिटेल में देखें, एक किंग था, वो अपने बेटे की शादी तैयार कर रहा था और उसने इनविटेशन भेजी थी, इनवाइट किया तो ऑलरेडी लोगों को, लेकिन वो इनविटेशन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने नो का आंसर दिया कि नहीं हम नहीं आ सकते। तो उनका उनका क्या हुआ, उनको उधर उन्होंने कहा इट्स ओके, इट्स फाइन, कोई बात नहीं, अगर वो नहीं है मैं किसी और को ले, जो आपको मिलता है आप उसको पकड़ लो, ठीक है। और आपकी कॉलिंग ऐसी है, अगर आप आज खुदा को रिजेक्ट करोगे, नो करोगे, ठीक है, तो आपके साथ भी ऐसे होना है और आपका नतीजा ये है कि आप आपको उधर भेजा जाएगा जहाँ पे दांतों का पीसना वो होगा। तो आपने बहुत अलर्ट रहना है कि खुदा आपको क्या कहना चाह रहा है, खुदा की आवाज को सुनो, उस पे अमल करो। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि खुदा जब मेरे साथ बात करने की कोशिश करता था, खुदा चाहता था कि मैं उसकी उसके कलाम में, उसकी वर्शिप में आऊं, लेकिन मैं इस चीज को पहचान नहीं पा रही थी, मैं इस चीज पर आ नहीं पा रही थी। मैं अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ कि आपको पता है कि जब पाकिस्तान से जब छोटे छोटे बच्चे इधर आते हैं, ठीक है, वो जो उनका कल्चर होता है वो सेम नहीं रहता, क्योंकि इधर का कल्चर बहुत लोग मॉडर्न है, बहुत ओपन माइंड है। हालेलुया। तो जब हम इधर आए हमें इतनी मतलब की तरबियत नहीं मिली जो हमें मिलनी चाहिए थी, ठीक है। तो मैं इधर मतलब की इधर आए हैं, मैं छोटी थी तो मैं स्कूल इधर सारा मैंने सब कुछ किया है, तो मैं खुदा के कलाम को इतना जांच नहीं पाई, इतना पहचान नहीं पाई। हालेलुया। तो मैं खुदा से दूर होती रही। इबलीस का काम यही था कि मुझे दूर करना। मेरे डैड थे, वो मुझे हमेशा ये बात कहते थे कि मैं मतलब कि दुआ में आ जा, खुदा तुझसे प्यार करता है। हमेशा उन्होंने हमें ये बातें बतानी, हमेशा ये बातें उन्होंने हमें कहनी, लेकिन ये बातें हमने ना सुनी कर देनी, हमने सुननी, कभी सुन लेनी, कभी नहीं सुननी। मेरा ईमान जो है था वो हमेशा अंदर था, लेकिन मेरा चलना, मेरा रवैया, वो हमेशा मैं खुदा को रिजेक्ट कर देती थी। रिजेक्ट करने का मतलब है कि खुदा मुझे कहता भी था, मुझे खींच लेता भी था, कि ऐसा टाइम भी आया था कि मैं कभी कभी इतना स्ट्रगल करती थी कि मैं रात को रात के पहरे में उठ के दुआ करती थी और खुदा को बुलाती भी थी, लेकिन ये ऐसा टाइम आया कि मैंने स्ट्रगल की, मैंने दुआ की, लेकिन जब मैं ठीक होगी, जब मैं आजाद होगी, मैंने खुदा को फिर से छोड़ दिया, मैंने खुदा को फिर से रिजेक्ट कर दिया। मेरा ये कलाम आपके साथ शेयर करने का ये मकसद है कि I'm 23 और मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि खुदा की आवाज आगे भी पहुंचे, लोगों को पता चले कि खुदा किस किस को चुन सकता है। एज नहीं मैटर करती, आपकी एज आज मैटर नहीं करती चर्च, ये मैटर करता है कि खुदा आपसे क्या लेना चाह रहा है, खुदा आपसे क्या चाहता है। तो मैं जब ये हुआ तो मेरी मम्मा मुझे देखती थी कि मेरी बेटी इतनी मतलब के स्ट्रगल कर रही है, इतनी अपसेट रहती है, ऐसे रहती है, तो मेरी मम्मा बहुत परेशान रहती थी और खुदा ने हमारे घर में मददगार भेज दिया। मेरी मम्मा स्विस में गई थी और उधर सिस्टर क्रिस्टीना को मिल गई, तो उन्होंने उनके साथ मेरे बारे में बात की, शेयर की, तो उन्होंने फिर ना कहा चलो मैं आपकी बेटी से बात करती हूँ, ठीक है, बात करती हूँ। तो उन्होंने मेरे साथ बात की, मैंने पहले कहा कि मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं नहीं थी क्राइस्ट में, तो मुझे इतना परख नहीं आई थी चीजों की ना, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा चलो इट्स ओके, ठीक है, मैं देखती हूँ, मतलब कि देखती हूँ, मैंने सुना फिर कर दिया, ठीक है। लेकिन खुदा ने मुझे फिर पकड़ा, उसने ऐसा पकड़ा कि उसने कहा कि तू उधर पीछे, अब तूने मुड़ के भी नहीं देखना, क्योंकि मैंने तुझे पकड़ लिया है, मैं अब तेरा रास्ता साफ कर दूंगा। हालेलुया। जब वो आपको पकड़ता है ना, तो आपका आपके रास्ते, आपकी सारी चीजें साफ होना शुरू हो जाती है। मैं अपनी टेस्टिमोनी ये शेयर करना चाहती हूँ, रास्ते साफ मतलब ये है कि खुदा ने जो मेरे सारे
मेरे सारे फ्रेंडशिप थी, फ्रेंडशिप है थे, सारे दोस्त है थे, ठीक है, वो सारे अब निकल चुके हैं, वो सारे साफ हो चुके हैं, वो रास्ते धुल चुके हैं। खुदा ने मुझे एक आपका एक प्लेटफॉर्म दिया है, इधर इटली में हमारा चर्च है, इधर इटली में हमारी फेलोशिप है, और खुदा ने मुझे इतनी अच्छी स्पिरिचुअल सिस्टर दी हैं, जिनके साथ मैं दुआ कर सकती हूँ। और मेरा दिल जो बेचैन होता था, फ्रेंड जब मेरे पास होते भी थे, लेकिन मेरा दिल बेचैनी में रहता था, मैं आज कहती हूँ और मैं बड़े बड़े जोश से कहती हूँ कि आज अगर मैं इधर खड़ी हुई हूँ, अगर मेरे साथ कोई भी नहीं होगा ना, मेरा यस्सु मेरे साथ है। Oh, hallelujah. Praise the Lord. मेरा यस्सु मेरे साथ है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका खुदा आपके साथ है, आप गिरोगे, आपको ठेस भी लगेगी, लेकिन वो आपके साथ है, क्योंकि उसका कलाम कहता है कि मैं आपको उठाने के लिए इधर खड़ा हुआ हूँ। क्योंकि मैं गिरी थी, लेकिन उसने रोशनी डाली मेरे चेहरे पर, उसने मुझे रोशनी दिखाई। ये मेरी टेस्टिमोनी है। और रोशनी कैसे है, क्योंकि उसने मेरे मेरे लाइफ में मददगार भेजा था। बट एनीवे, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इस मैसेज का। मे बी जब हमारा आंसर मे बी होता है, तो हम कलाम के दौरान देखते हैं कि क्या होता है। हालेलुया। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 16 है, मुकाशफा 3 बार और उसकी 16 आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुकाशफा 3 बार 16 आयत में लिखा है, हालेलुया, प्रेज यू जीसस। बस क्यों के तू ना तो गर्म है और ना सर्द, बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। आमीन, आमीन। ये रास्ता, ये आंसर तब आता है जब हम कलीसिया, खुदा हमें बुला रहा होता है, इनविटेशन भेज रहा होता है, लेकिन हम उसको कहते हैं हाँ ठीक है, हाँ चलो देखते हैं, देखी जाएगी, हाँ चलो, मतलब के कोई आपको इनवाइट कर रहा है कि आज ये मीटिंग है, लेकिन आप एक्सक्यूज बना रहे हैं कि नहीं, आज ये है, आज वो है, मैं ये चीज नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ये आंसर तब आता है, मे बी का मतलब के बिचकार का रास्ता। आपने उधर रहना है, आपने ये नहीं देखना, क्योंकि खुदा कहते हैं कि ना तो सर ना तो गर्म है, बल्कि नीम गर्म है, मैं अपने मुंह से निकाल रहा हूं। वो आपको अपने मुंह से निकाल रहे हैं, और अगर वो आपको अपने मुंह से निकाल देगा कि यह आपको बात अच्छी लगे, कि आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, आप अगर जब एक पार्टी पर जाते हो, ठीक है, आप उधर जा रहे होते हो, आप उधर बैठे हो, ठीक है, और आपके साथ आके कोई बात ना करे, आपको कैसा फील होगा? खुद आपको ये बता रहे हैं कि ना तू इधर है ना तू उधर है, लेकिन तू बीच में है और मैं तुझे निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे बीच का रास्ता पसंद ही नहीं है। हालेलुया। तो आप जब खुदा आपको बुलाए, जब खुदा आपको कहे कि ए मेरी बेटी, ए मेरे बेटे, मैंने तुझे चुन ली है, मैं तुझे चुनने लगा हूं, आप अपना आंसर बड़े सोच समझ के ले, क्योंकि खुदा आपको खुदा जब आपको ब्लेस करने जा रहा है, ठीक है, ये ना हो कि जो सी बरकत आपको देने जा रहा है वो किसी और के हाथ में हो। आप ये सोचे कि नहीं, मैंने जब खुदा मुझे जब बुलाएगा मैं उधर खड़ा हुआ हूंगा, खुदा जब मुझे रात के पहरे में उठाएगा मैं उठूंगा, मुझे नींद जितनी मर्जी आए, लेकिन ये हमारी एक बॉडी जोन सी है, ठीक है, ये समटाइम्स ये चीजों को समझ नहीं पाती, लेकिन जो हमारा रूह है ना, जो खुदा ने हमें रूह से भरा हुआ है, जो हमारा रूह है, उसको हमें ट्रेन करने की बहुत जरूरत है। ये एक जंग है हमारी बॉडी के साथ और हमारी रूह के साथ, जो हमने इसके ऊपर विक्ट्री पानी है। जैसे आज पास्टर कामरान ने हमें समझाया है। हालेलुया। तो अब हम देखते हैं कलाम में ही कि जब हम हमारा रेस्ट यस का आंसर आता है,
तो खुदा हमें क्या कहता है, खुदा अपने बाइबल से हमें क्या बताते हैं। हालेलुया। जब यस का आंसर आते हैं, लेकिन यस का आंसर दो होते हैं। एक यस, लोग यस कर देते हैं, लेकिन खुदा, लेकिन एक आयत में आपको बताऊंगी कि खुदा कहता है, प्रॉफिट इसाया की ये एक प्रोफेसी है जो मरकस की एंजिल में हमें मिलती है, उसकी 7 चैप्टर है और उसका 6 और 7 आयत है। मरकस की एंजिल चैप्टर 7 6 और 7। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मरकस की एंजिल उसका चैप्टर 7 और उसकी वर्स 6 है, उसमें लिखा है, उसने उनसे कहा, यसाया ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबुवत की, जैसा कि लिखा है, ये लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं और ये बेफायदा मेरी प्रस्तुति करते हैं, क्योंकि इंसानी हकाम की तालीम देते हैं। आमीन आमीन। तो हम जब यस का जवाब आंसर दे भी देते हैं, ठीक है, यस, ये वाला यस ऐसे है कि इंसान कहता है, यस मैं खुदा की खिदमत भी करना चाहता हूँ, मैं खुदा के काम भी करना चाहता हूँ, मैं मीटिंग में भी आना चाहता हूँ, लेकिन जब उनको आप को ना कि आज मीटिंग हो रही है, वो कहते हैं नहीं आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन दिल में ये कहते हैं, अपने मुंह से इकरार करते हैं, लेकिन उनके दिल खुदा से दूर है। हालेलुया। मतलब कि कहते हैं कि नहीं मैं खुदा को टाइम देना चाहता हूँ, मैं खुदा को अपनी लाइफ देना चाहता हूँ, मैं खुदा के लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन उसके दिल उनके दिल खुदा से दूर है। हालेलुया। तो चर्च अपने दिल, अपने दिल और अपनी जुबान पर खूब हिफाजत होने की बानी करो, क्योंकि आपके दिल से आपकी जिंदगी है और आपकी आपके मुंह से आपकी जान है और आपकी मौत है, जैसे प्रोवर्ब्स में लिखा है। हालेलुया। तो आपने खुदा का, जब आपने खुदा की प्रशिश भी करनी है, जब खुदा को आपने पुकारना भी है, दिल से, रूह से, जान से पुकारे। हालेलुया। तो जब हम यस का आंसर देते हैं, लेकिन वो यस के खुदा, यस मैं अपने आप को सरेंडर कर देता हूँ आपके सामने, मैं अपने आप को अपना अपना पूरा बदन दे देता हूँ, क्योंकि ये जैसा बदन है ना, ये हमारा नहीं है, ये खुदा का है, ये खुदा ने हमें दिया है। हालेलुया। और चाहता है कि ये एक, जैसे आजकल एक हम देख लेते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, ये सारी मीडिया है, ठीक है, जो यूज करते हैं लोग, इस्तेमाल करते हैं द वर्ड ऑफ गॉड को शेयर करने के लिए। और हमारा बदन, हमारी ये एक, ये जो हमारा बदन है जो खुदा ने हमें दिया है, ये खुदा ने हमें इसलिए दिया कि ये यूज हो उसकी महिमा के लिए, उसके जलाल के लिए, उसकी खिदमत के लिए। बार बार जाके आप खुदा की खिदमत करो, बार जाके आप खुदा का कलाम आगे लेके जाओ, क्योंकि खुदा यीशु का आना बहुत जल्द है, और अपने आप को तैयार करो। ये ना हो कि कल यीशु आ जाए और आपको जो खुदा ने आपको ब्लेसिंग दी है, जो आप वो उसको पूरा ना कर पाओ। तो बी अलर्ट। हालेलुया। मतलब सोए ना रो, जाग उठो, ये टाइम है जागने का, सोने का नहीं है। तो अब हम जब हम यस का आंसर देते हैं, तो खुदा हमें कैसे ब्लेस करता है। जब आप यस कर देते हो कि यस खुदा, मैं अपने आप को सरेंडर कर देती हूँ, यस मैं आपकी कॉलिंग को रिजेक्ट नहीं करूंगी, बल्कि उस पे चलने वाली होंगी, उस पे अमल करने वाली होंगी। हालेलुया। रिवेलेशन चैप्टर 3 और उसकी वर्स 12। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रेवलेशन चैप्टर 3 और उसकी वर्स 12 में लिखा है, जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मकदस में से एक सतून बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। चर्च, जब आप यस कर देते हैं, ये खुदा आपके आप अपना जलाल आपके ऊपर जाहिर करता है, एक रोशनी, एक नया नूर आपके ऊपर जाहिर करता है। और हम आप एक और वर्स को देखेंगे, प्रेज द लॉर्ड,
हम देखेंगे कुलसियों का खत, हालेलुया, उसका पहला बाप और उसकी 18 आयत में लिखा है, और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पिलौठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। आमीन आमीन। तो आपने जब यस कर दिया है, लेकिन ये यस ऐसा होना चाहिए कि गॉड आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। हालेलुया। आपने खुदा को पहला हिस्सा देना है हर चीज में, क्योंकि ये जो इंसान बदन है, ये बदन खुदा का है, ये बॉडी जो है ये खुदा की है, और इससे खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए और कोई इस दुनियावी चीज नहीं जाहिर होनी चाहिए। हालेलुया। ये बॉडी जो खुदा ने आपको दी है, ये टेम्पल है, इज अ टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। तो हमने अपना अपने अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा जोर, अपनी पूरी 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 कोशिश हमने करनी है कि खुदा ने जिस मकसद के लिए, जिस पर्पस के लिए हमें चुना है, ये बॉडी उसका जलाल जाहिर कर पाए। हालेलुया। हमने हर एक कोने पर जाके लोगों को बताना है, लोगों को कहना है कि खुदा ने मेरे साथ ऐसा किया था, खुदा ने मुझे ऐसा चुना है। खुदा अगर तुझे पुकारा, उसकी आवाज को ना सुना कर, बल्कि उसकी आवाज को पहचान, उसकी आवाज को फॉलो कर। हालेलुया। अगर हम देखें, अगर हम कलाम एक एग्जांपल देख सकते हैं, जब खुदा ने अपने शागिर्दों को चूज किया था, उन्होंने बस एक वर्ड उनको बोला था, फॉलो मी, और उन्होंने ना दाएं ना बाएं देखा, बल्कि स्टेट देखा कि खुदा यस्सु कहाँ पे जा रहा है। हालेलुया। कि यस्सु कहाँ पे जा रहा है, और उन्होंने उनके पीछे जाना शुरू हो गए। हालेलुया। और आज आपका दिल, आपकी बॉडी, आपका रूह ऐसे होना चाहिए कि खुदा जब आपको पुकारे, आप ये ना बोले हाँ जी ठीक है फिर बात चुप देखी जाएगी। नो, दिस इज नॉट राइट एटीट्यूड जो हमें खुदा ने हमें आज दिया हुआ है। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आपको खुदा अगर पुकारे, आपने बोलना यस, मैं हर चीज अपनी साइड पर रख के खुदा को सबसे पहले हिस्सा दूंगी, खुदा को सबसे पहले टाइम दूंगी। आपको रात के पैरों पर उठना पड़े, आपको आपको जो आप काम कर रहे हैं वो छोड़ना पड़े, आप खुदा को अपना पहला हिस्सा दो। अगर आप खुदा के फेवरेट होना चाहते हो, अगर चाहते हो कि आपका फजल, उसकी ग्रेस, उसकी कृपा, उसका फेवर आपके ऊपर होना चाहिए, आप सबसे पहले ये बात सीखो, ये की है कि आपने खुदा को प्रायोरिटी बनाना है, फर्स्ट प्रायोरिटी ओवर एवरीथिंग। हालेलुया। और मैं सेकंडली बात ये कहना चाहती हूँ, मैंने जैसी मेरी स्पिरिचुअल मॉम है, उसे ये चीज सीखी है, और मैं उनकी लाइफ के लिए शुक्र गुजार हूँ खुदा से। अगर आप सिस्टर क्रिस्टीना को सब जानते हैं कि वो एक बड़ी हम्बल पर्सन है, ठीक है, वो अपना पूरा 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 जोर जब खुदा की बात है, वो सारी चीजों को साइड पर रख देती हैं, ठीक है, और खुदा को पहला हिस्सा देती हैं। अगर आप देख लें, अभी अभी उनकी एक बेटी पैदा हुई है, और जब आप देख रहे वो प्रीच जब कर रही होती हैं, ठीक है, वो अपनी बेबी को हाथ में रख के प्रीच कर रही होती है, क्योंकि वो प्यार होता है, वो एक प्यार होता है। लेकिन आजकल पता क्या चलता है, ये जमाना कैसा चल रहा है कि हम अपने घर में किसी को नाराज करने के लिए ना हम खुदा को साइड पर रख देते हैं। हम कहते हैं कि वो नाराज हो जाएगा, नहीं नहीं हम ये चीज कर लेते हैं, लेकिन हमारा खुदा साइड पर रखने वाला नहीं है। हमारा खुदा पहला पहला उसको पहला दर्जा मिलना चाहिए हर चीज में। अगर वो आपको चुनता है ना, उसको आप पहला पहला हिस्सा दो इन द मॉर्निंग, रात को जब आपको टाइम मिले, क्योंकि वो इसी लायक है। अगर आपको अब हम देखते हैं कि खुदा ने इतने इतने लोगों को बचाया है, इतने इतने लोगों को संभाला है, ये खुदा खुदा का जलाल है जो उनकी जिंदगी में जाहिर होता है, ये खुदा की ग्रेस होती है। मैं हमेशा चीज खुदा को कहती हूँ कि खुदा मैं तेरे आगे शुक्र गुजार हूं कि तूने मुझे ऐसे माँ बाप दिए हैं जिन्होंने मुझे डार्कनेस से निकाल के लाइट रोशनी दिखाई है, और रोशनी ये कलाम है, ये जो सब वर्ड है ना, द वर्ड ऑफ गॉड जो खुदा ने आज आपको दिया है,
ये रोशनी है. अकेला आप जो सा आपका अकेलापन होता है ना, वो निकालने जो ऐसा आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं ना, आप इस चीज को निकाल दे, क्योंकि वो शैतान की एक एक योजना होती है आपको आपको डिस्टर्ब करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए. तो आपने हमेशा याद रखना है कि खुदा ने किस पर्पस के लिए मुझे चूज किया है. हालेलुया. और अब हम एक नई आगे आज देखते हैं कि जब आपको खुदा ने चुन लिया है, अनॉइंट कर लिया है, और उसका रिजल्ट क्या है, ये गुड न्यूज है आपके लिए. हालेलुया, प्रेज टू जीसस. आइए हम देखते हैं यसाया की किताब, यसाया का सहीफा, उसका 40 बाप और उसकी 31 आयत को हम पढ़ेंगे. लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले अजसरेनो जोर हासिल करेंगे, वो अकाबों की मानत बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे. आमीन आमीन. खुदा आपको ईगल जैसी आपको ईगल जैसे जोरावर बना रहा है. जो ईगल में स्ट्रेंथ है, जो ईगल कर सकता है. मैं जब कलाम पढ़ती हूँ ना, मैं तो इटालियन में पढ़ती हूँ, तो मेरी आदत है कि मैं उर्दू में लगा देती हूँ, ऐसे मुझे समझ आ जाती है थोड़ी बहुत, उर्दू में भी और इटालियन में भी. क्योंकि जब मैंने शेयर करना है ना, आगे जाके प्रीच करना है, जिसके साथ भी प्रीच करना है, मुझे नॉलेज होना चाहिए. क्योंकि सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप अपने नॉलेज को बढ़ाओ, फिर आप आगे जा सकते हो. तो ये एक पॉइंट आता है जब आप चुने आपको खुदा अनॉइंट कर देता है, आप अपने नॉलेज को बढ़ाओ. और हर एक वर्ड जो सा खुदा मुझे देता है ना, मैं उसको बहुत गहराई से लेके उसको सोचती हूँ, उसको रिसर्च करती हूँ और देखती हूँ कि इसका मतलब क्या है. तो जब मैं कलाम जब मैंने ये वर्ड्स पढ़ी ना, तो मैंने देखा कि ईगल की क्यों खुदा हमें मिसाल दे रहा है, ईगल के बारे में क्यों बता रहा है. तो ईगल का आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ईगल के हाथ में दो ऑप्शन होते हैं, और वो दो ऑप्शन आपके पास है आज. मेरे बहन, मेरे भाई, मेरी फैमिली, वो ऑप्शन आपके हाथों में है. ठीक है, आप डिसाइड कर सकते हो कि आप इस दुनियावी सोचों के साथ, कामों के साथ, बेशक दुआ में आके चलना चाहते हो, या कंप्लीटली अपने आप को खुदा के सामने सरेंडर करना चाहते हो. अगर आप ईगल ऐसा एक एक परिंदा है कि वो तकरीबन 40 साल की उसकी उम्र होती है. हालेलुया, उसकी 40 साल की उम्र होती है, लेकिन उसको एक सेकंड शांस मिलता है कि वो अपनी उम्र को बढ़ा सकते, अपनी उम्र को क्या बढ़ा सके. हालेलुया. तो ये चांस आपके हाथों में भी है कि आप डिसाइड कर सकते हो कि आपने यीशु के साथ इटर्नल लाइफ लेनी है, या इस दुनिया में ही मर के इस दुनिया के रहना है. ये आप पर डिपेंड करता है. हालेलुया, ये आप पर डिपेंड करता है, ये आप पर डिपेंड करता है चर्च. ये आप पर आज डिपेंड करेगा कि आपने क्या चूज करना है, आपने कौन सा रास्ता चुनना है. हालेलुया, हालेलुया. तो जब ईगल के पास ये दो ऑप्शन आ जाते हैं, ईगल क्या करता है कि सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाके वो जो उसकी चूंज होती है उसको मार मार के तोड़ता है. फिर वो जो उसके सारे वो वो होते हैं पर होते हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता उतारता है. उतारने के बाद वो जो उसके नेल्स होते हैं वो उसको निकालता है. हालेलुया. और ये उसकी स्ट्रगल होती है और ये उसकी मेहनत होती है. और मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब आपको खुदा कॉल करता है, आप उसको यस करते हो, या आपको ये नहीं कि आप बैठे बिठाए हर चीज आपको मिल जाएगी, आपकी स्ट्रगल बताएगी कि आप किस लायक हो. आप किस लायक हो, आपकी स्ट्रगल बताएगी, आपकी टेस्टिमोनी बताएगी लोगों को कि ये लड़की ऐसे थी लेकिन ऐसे हो गई है. मैं अपनी एक बात बताती हूँ. मैं अब जहाँ पर काम करती हूँ वहां पर मेरा बहुत लोगों के साथ, क्योंकि मैं वेटिंग का काम करती हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, मैं बहुत डिफरेंट लोगों के साथ बात करती हूँ. और मेरी जिनसे क्लीक है, जिनसे मेरे साथ काम करती है, वो अब उनका यही है, नहीं नहीं सारा को जाने दो, सारा ने घर जाके दुआ करनी है.
मुझे जब जब कहती है ना कि आप बाहर चढ़ते हैं ये करते हैं, मैं कहती हूँ नो आई डोंट हैव टाइम, क्योंकि मेरा टाइम जो सा ज्यादा कीमती है ना वो मैंने घर जाके स्पेंड करना है अपने खुदा के साथ। हालेलुया। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपने इस दुनियावी सोचों के साथ कामों के साथ चलना है या आपने यसू के साथ चलना है। यसु आपने उसकी जो सी अथॉरिटी उसने दी है आपने उसको हासिल करनी है या आपने अपनी मौत को हासिल करनी है। हालेलुया। तो ये स्ट्रगल जो सा करता है, उकाब करता है, ईगल करता है, ये तकरीबन 5 मंथ चलती रहती है मुसलसल। और उसके बाद कहते हैं कि जब ये उसकी चोंच आ जाती है, उसके पर आ जाते हैं, वो रिन्यू हो जाता है, रिन्यू हो जाता है आपकी आपकी स्पिरिट। कलाम में लिखा है कि जब आप क्राइस्ट में आते हैं आप रिन्यू हो जाते हैं, जब आप तौबा करते हैं आप रिन्यू हो जाते हैं, आपके गुनाह माफ किए जाते हैं। तो आपने ये नहीं सोचना कि जो बातें पहले हुई हैं, जो चीजें पहले हुई हैं, आप एक न्यू क्रिएशन है क्राइस्ट में। आप ये सोचे कि बहुत अच्छी चीज है, बहुत सी बरकतें मेरा इंतजार कर रही है। जो चीजें बीत चुकी हैं उसको हमने कैंसल कर दिया ऑलरेडी। आपका ये आपका आंसर हमेशा यीशु के लिए, खुदा के लिए हमेशा यस होना चाहिए। नो मैटर व्हाट आपका सिचुएशन कैसा हो, आप किस चीजों से गुजर रहे हैं। हालेलुया। आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत मिले। आमीन।